स्टूडेंट टुडे इज 29/12 टुडे इज 29/12 यूनिट इंग्लिश 1 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट 6 में हम क्या स्टोरी लेंगे स्टोरी आवर ट्री आवर ट्री ओके स्टैंडर्ड 1 यूनिट 6 स्टोरी आवर ट्री ए लिटिल बर्ड सीज ए लिटिल बर्ड A little bird sees आसमान में कौन सी बर्ड एक छोटी सी बर्ड उड़ रही है ओके उसने क्या देखा राइट फ्रूट ऑन आवर ट्री उसने देखा कि हमारा जो पेड़ है उसमें फ्रूट आने लगा है एंड इट्स ए टेस्टी बेरी कौन सा फ्रूट आने लगा है बेरी बेरी किस कलर का होता है रेड कलर का फ्रूट होता है ओके एंड इट्स ए टेस्टी बेरी द बर्ड फ्लाइज टॉल और वो जो बर्ड है वो दूर दूर उड़ने लगी द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड ए बेरी सीड्स फॉल्स और उतने में क्या हुआ उसका उसका जो मुंह में जो वो था सीड थी बेरी की वो नीचे गिर गई ओके द रेन्स हैव कम और उतने में क्या हुआ बहुत तेज बारिश आने लगी क्या आने लगी बारिश आने लगी द रेन्स हैव कम हरी लेट्स रन क्लाउड्स रेन एंड सन और बादल सूरज सब निकलते हैं ना तो वो सब निकलने लगे क्लाउड्स रेन एंड सन आवर प्लांट इज बॉर्न ए लिटिल वन वहाँ दो बच्चे थे उन्होंने देखा कि हमारा जो प्लांट था वो ग्रो कर गया नाउ ए ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ऐसे ऐसे लंबी निकलने लगी क्रोस एंड बर्ड सॉन्ग और क्रो अपने क्रोज होते हैं ना क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग वो गाना गाने लगे क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब्स क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब्स कैटरपिलर विद टाइनी लेग्स और क्राउलिंग आंट्स एंड और उसमें क्या थे छोटी छोटी चींटियां और स्पाइडर्स मकड़ियां वो अपने क्या बनाने लगे थे वेब्स यानी जाले मकड़ी का जाला होता है ना इस टाइप से ऐसे करके मकड़ी का वो जाला बनाने लग गए थे और वहाँ पे कैटरपिलर्स भी टाइनी है और छोटे छोटे कैटरपिलर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं उनके वो भी उनको दिखाई देने लगे थे ठीक है कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स रिच ग्रीन लीव्स लाइक अ प्लांटी रिच ग्रीन लीव्स लाइक अ प्लांटी ओके ओके फिर से भी पहले पढ़ते आगे ए लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री एंड इट्स ए टेस्टी बेरी आपको भी जब आप कोई भी स्टोरी या लेसन पढ़ते हो तो सबसे पहले एक हाथ में पेंसिल होनी चाहिए पेंसिल से अच्छी तरह से आप एक स्पेलिंग को पढ़ेंगे उसको अंडरलाइन करते जाएंगे आपको जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता जो मीनिंग समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि ये वर्ड या ये मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है ओके तो क्या करेंगे आप अंडरलाइन या फिर सर्किल कर देना कि ये मीनिंग नहीं आ रहा बाद में आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको अभी पेरेंट्स से पूछ सकते हो या मुझसे भी वर्कशीट लेने आते हो मंडे को तब भी पूछ सकते हो नहीं तो आप उसको सर्किल करके आप एक डिक्शनरी आती है छोटी डिक्शनरी आती है पकड़े उसमें उस वर्ड का मीनिंग देखिए
कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। फिर जब आपको उस वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके, तो क्या लिखा है, ए लिटिल बर्ड सीज, ए लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री एंड इट्स ए टेस्टी बेरी, एंड इट्स ए टेस्टी बेरी, द बर्ड फ्लाइज टॉल, द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड ए बेरी सीड फॉल्स, और वो बेरी सीड्स नीचे गिर गए थे। फिर यहाँ पे क्या दिखाया गया कि क्लाउड्स भी आ रहे हैं, रेन भी हो रही है और सन भी निकल रहा है। द रेन हैव कम, बारिश आने लगी, द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन रेन एंड सन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न ए लिटिल बर्ड, आवर प्लांट इज बॉर्न ए लिटिल बर्न, नाउ ए ट्री, नाउ ए ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, विद ब्रांचेस लॉन्ग, क्रोस एंड बर्ड सॉन्ग, क्रोस एंड बर्ड सॉन्ग, क्राउलिंग आंट्स, क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, क्राउलिंग ants and spiders webs, caterpillar and tiny legs, rich green leaves like a plantain। ओके, अब थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ मैं लिख देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। A little bird sees ripe fruit, आपको मैं वर्कशीट में सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी। ओके, राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री, ऑन आवर ट्री एंड इट्स एंड इट्स ए टेस्टी टेस्टी बेरी, द बर्ड फ्लाइज टॉल, द बर्ड flies tall, the bird flies tall and a berry seeds and a, आपको सब किसमें लिखना होगा कर्सिव में, and a berry seed falls, देखिए एक मिनट में। कर लिया आपने, ए लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री एंड इट्स ए टेस्टी बेरी, एंड इट्स ए टेस्टी बेरी, द बर्ड फ्लाइज टॉल, द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड ए बेरी सीड फॉल्स, एंड ए बेरी सीड फॉल्स, Thank you.
ओके नाउ नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए अभी द ट्री हैव फ्रूट ट्री ने क्या देने लग गया फ्रूट देने लग गया सम बिग सम स्मॉल लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल फिर उसमें जो ट्री में जो थे वो फ्रूट लगने लग गए थे कुछ छोटे सम बिग और सम स्मॉल कुछ छोटे और कुछ बड़े ओके लेट अस प्लक देम और उनको हम तोड़ने लगे हम तोड़ के उनको रख सकते हैं उनको गिराना नहीं है नीचे नहीं डालना है ओके तो उसने वही बोला लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल उसको नीचे नहीं गिराना है उसको क्या इकट्ठा करके रख देंगे Crows preach, squirrels run and see the monkeys having fun. Crows preach. स्क्वायरल और उस पेड़ पे कौवे आने लगे और स्क्वायरल्स भी चढ़ने लगे और मैंगोज भी दिखने लगे और वो कैसे हैविंग फन का मतलब वो लोग खूब मस्ती करते हुए दिख रहे थे कैसे दिख रहे थे मस्ती करते हुए दिख रहे थे तो क्राउस प्रीच स्क्वायरल्स रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन ओके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस with pretty swings strong branches with pretty swings our beautiful tree has so many things okay तो strong और उसकी कैसी branches आपने पेड़ देखा ना कैसी branches हो गई हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज हो गई ये वो जो छोटा सा सीड था उसमें हमने पानी डाला रोज पानी डालते थे तो वो कैसा बन गया ऐसा बड़ा ट्री बन गया कैसा बन गया ऐसा बड़ा ट्री बन गया ओके तो जब इतना बड़ा ट्री बन गया तो उसमें क्या निकलने लगी ब्रांचेस निकलने लगी तो ब्रांचेस निकलने लगी उसके बाद उसमें क्या आई लीव्स यानी पत्तियाँ तो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको लीव्स दिखाई होगी तो लीव्स आई लीव्स के बाद क्या आया फ्रूट आई लीव्स के बाद फ्लावर फ्रूट वो आए ओके तो ये हमारा बहुत सारे स्मॉल सम स्मॉल और बिग फ्रूट्स आने लगे थे तो ये क्या बन गया बड़ा ट्री बन गया जिसमें कैटरपिलर्स क्रोज यानी कौवे स्क्वायरल यानी गिलहरी मंकी यानी बंदर वो खूब फन करने लगे उसमें ऊपर नीचे कूदने लगे और हम क्या झूला झूलते हैं ना झूला भी स्विंग भी करने लगे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज विद प्रिटी स्विंग इनकी ब्रांचेज इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि देखिए हमने झूला डाला तो हम झूला भी खेलते ना तो स्विंग्स करने लगे आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग और हमारा बहुत सुंदर ट्री है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ठीक है देखिए स्क्वायरल चढ़ रही है आंट चढ़ रही है मंकी चढ़ रही है यहाँ पे कौवे दिख रहे हैं आपको सब ट्री के ऊपर दिखाई देगा तो सबसे पहले क्या आया था एक बीज गिरा था बीज में हमने खूब सारा पानी डालने के बाद क्या हुआ वो बड़ा होने लगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग क्या निकलने लगी ब्रांचेस निकलने लगी क्या निकलने लगी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस निकलने लगी ओके फिर ब्रांचेस के बाद उसमें ग्रीन कलर की लीव्स आई और ग्रीन कलर की लीव्स आ गई और भी फ्रूट बहुत सारे उसमें कई टाइप के फ्रूट्स निकलने लगे क्या ये टाइप पर क्या निकलने लगे फ्रूट्स निकलने लगे ओके
ये आपको समझ में आया स्टोरी? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको पूरी ऐसे प्लांट देखना है कि सीड से पानी डाला, उसमें से वो ट्री बड़ा हुआ, उसमें जो ब्रांचेस निकली वो बहुत स्ट्रांग निकली, स्ट्रांग हो गई थी, जिसमें हम झूला डाल के भी झूल सकते थे, और उसमें स्क्वायरल यानी गिलहरी, क्रोज यानी कौवे, मंकी यानी बंदर, वो भी खूब इंजॉय करते थे, हैविंग फन इंजॉय करते थे, और मैं भी उसमें उसकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उसमें मैं झूला डाल के झूला भी झूल रही थी। ओके तो क्या बोला उसने, आवर ब्यूटिफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, आवर ब्यूटिफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स। ओके अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है वो करते हैं, पहले हार्ड वर्ड्स करते हैं। New words. Belly. Belly. B E double R by belly. B E double R by belly. B E double R by belly. Nest. N-E-S-T, nest. N-E-S-T, nest. N-E-S-T, nest. N-E-S-T, nest. N-E-S-T, berry. Berry fruit ka naam hai na? To B-E-R-R-Y, berry. B-E-R-R-Y, berry. B-E-R-R-Y, by very nest, N-E-S-T nest, N-E-S-T nest. Rain, R-A-I-N rain, R-A-I-N rain, R-A-I-N rain. R-A-I-N rain, R-A-I-N rain, R-A-I-N rain, R-A-I-N rain. B-E-R-R-Y, berry. B-E-R-R-Y, berry. B-E-R-R-Y, berry. Nest, N-E-S-T, nest. Rain, R-A-I-N, rain. Okay? अब आता है कैटरपिलर। कैटरपिलर की स्पेलिंग C-A-T-E-R, कैटर, C-A-T-E-R, कैटर, और पिलर्स C-I-L-L-A-R-S, कैटर पिलर्स, C-A-T-E-R, कैटर पिलर्स, P-I-L-L-A-R-S, कैटर पिलर्स। ठीक है, अभी आप यूनिट 6 की
ये स्टोरी अच्छी तरह करिए, उसकी स्पेलिंग अच्छी तरह करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टोरी लेके आएंगे। स्टे से स्टे हेल्दी।